So, student how are you? I hope you all are fine. So, today we are going to start the chapter A Great, great Legendary Character. So, first we will read about the lesson. The story depicts the talents of Asthavakra, the great legendary character during the period of Ramayana. How he got knowledge of Vedas in his mother's womb. Read the story of Nodes. The story depicts the talents of अष्टवक्रा को

ट द इफेक्ट ऑफ लव ऑन चिल्ड्रन स्टार्टेड इवन बिफोर तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एंशियम पीरियड में ही जो ये मार्शल रिलेशनशिप है मतलब शादी के बाद का जो रिलेशनशिप होता है वो कंसिडर करता है कि जो बेबी होने वाला है वॉर्म जहाँ पर यहाँ पर नाम लिया गया बेटा वॉर्म पेरेंटल लव तो वो जो बेबी होने वाला है वो क्या आधी चीजें इन चीजों में विश्वास करते हैं कि जो पेरेंट्स का बेटर प्रिपेयर सोल होती है वो उनके जो मदर होती उनके पेट में जब बच्चे होते हैं वो वहीं से डेवलप होना चाहते है। है, है, हैं, है हैं तो उसका पहले से इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है जब वो बेबी मम्मी के पेट में होता है तो मैनी इंडियन लेजेंड्स इलस्ट्रेट दैट द फीलिंग इमोशंस एंड लर्निंग प्रोसेसेस ऑफ द बेबी एक्चुअली स्टार्ट इन देयर

थे जब कौन सा टाइम पीरियड था वो मिथोलॉजिकल एपिक रामायण पीरियड था अष्टवक्रा फादर्स कोहाला वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड लिव्ड इन द किंगडम ऑफ राजऋषि जैनक, हु हिमसेल्फ वाज वेल वर्स्ड इन द वेदास उपनिषद्स एंड अदर्स स्क्येर टेक्स्ट वाइल अष्टवक्रा वास स्टिल इन द वॉर्म इन हिज मदर सुजाता कोहला वुड सीट बाय हर साइड एंड द वेदास तो क्या करते थे जब वो फादर मदर है ना तो जो मदर थी सुजाता जिनका नाम है और उनके फादर का नाम था कोहाला तो जो कहोला थे वो क्या करते थे वो वेदास को रिसाइड करते थे अपनी वाइफ को साथ में बिठाते थे और वेदास के बारे में उनको बताते रहते थे जिससे वो पेट के अंदर ही वॉम के अंदर ही उन चीजों को सुनता रहता था द चाइल्ड वाइल स्टिल इन द वम वन डे टोल्ड हिज फादर कोहाला यू आर मेकिंग एट अवर्स इन ईच वैदिक मंत्र वाई रिसाइटिंग दैम राइट इन अ फिट ऑफ रैग क्वाला कोर्सिस दाइल्ड टू बी बॉर्न विद ऑल एट लेफॉर्म्ड तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वो बच्चा था द चाइल्ड वाइ स्टिल इन द वॉर्म जब वो वॉर्म के अंदर था तो एक दिन क्या बताया उसके फादर ने वन डे टोल्ड हिज फादर कि किसको फादर को बताया कि यू आर मेकिंग एट एरर्स इन ईच वैदिक कि आप वैदिक मंत्र में एट एरर्स क्रिएट करते हो जब उनको आप रिसाइट करते हो जब उनको सही तरीके से बोलते हो तो ये जो कहला जो कहला उसके फादर थे वो कर्सिस करते हैं उस बच्चे को डांटते हैं जब वो बोर्न विद एल एट ऑल लिम्स एंड फॉर्म्ड और तो किसके साथ पैदा हुआ जब वो एट लिम्स डिफोर्म्ब के साथ पैदा हुआ वेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न ही वॉज इनडीडीड डिफॉर्म्ब एंड टसेस और टू फिट टू नीज टू हैंड्स टू चेस्ट एंड टू हैड तो यहाँ पे देखा जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सब चीजों में ट्विस्ट था एट प्लेसेज ठीक है तो उसके टू फिट टू नीज टू हैंड्स टू चेस्ट एंड टू हैड है ना तो हैज ही वॉज नेम्ड अश्वतक्रा विच मीन्स टू बी बैंड इन एट प्लेसेज लाइक अ कैमल आफ्टर हिज बर्थ अश्वतक्रा कैप्ट स्टडिंग एंड बाय द टाइम ही वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर तो जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया तो क्या हुआ वो धीरे धीरे काफ़ी पढ़ाई करने लग गया और पढ़ाई के साथ साथ ही जब वो ट्वेल्व ईयर्स का हुआ तो वो एक ग्रेट स्कॉलर्स के रूप में जाना जाने लगा वन डे वन डे के हाला वाज इनवाइटेड टू किंग जनक कोर्ट फॉर अ डिबेट द पार्टिसिपेट वर टू इंटर द डिस्कस पैसेजेस ऑफ द वेदास तो वेदास के बारे में डिस्कस करने के लिए उनके पैसेज के बारे में डिस्कस करने के लिए कोहला ने इनवाइट किया किंग जनक को कोर्ट के अंदर ताकि वो वहां पर डिबेट हो पाए अष्टवक्रहड़ दैट हिज फादर वाज लूजिंग स्कॉलर्स बंदी a court of janak in the final round he went to Mithara, the court of king janak to free his father but was not allowed to enter the whole of great debate the great keeper

ज फादर की उसके फादर को फ्री करने के लिए बट वो अलाउड जा, टू एंटर लेकिन जाने की कोशिश करता है तो वो उसको अंदर डिबेट में जाने के लिए मना कर देते हैं जो गेट कीपर रहते हैं उसको बताते हैं सिर्फ जो वहाँ पे लर्न करते हैं और जो एल्डर्स होते हैं वो ही वहाँ पर जाने को डिजर्व करते हैं तो अस्तवक्रा मेड गेट कीपर स्पीचलेस बाई हिज डेफिनेशन ऑफ एल्डर्स तो जैसे बोलते हैं कि जो एल्डर्स है वो ही अलाउ कर सकते हैं अंदर जाने के लिए तो जो कौन होता है अश्तवक्रा बताता है उनको कि एल्डर्स की डेफिनेशन क्या है तो सारे के सारे स्पीचलेस हो जाते हैं ओनली दोज ग्रोन इन नॉलेज आर द एल्डर्स तो बताते हैं जिनके पास नॉलेज होती है वही एल्डर्स होते हैं तो गेट कीपर हिम टू इन टू द कोर्ट तो बोलते हैं कि अच्छा जो नॉलेज होती है वही बड़े होते हैं वही एल्डर्स होते हैं तो मैं भी मेरे अंदर भी नॉलेज है तो मैं भी क्या हुआ एल्डर हुआ तो गेट कीपर क्या बोलते हैं कि उनको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं एज ही वॉज वॉकिंग थ्रू द हॉल द पंडित तो जैसे ही वहां पर क्या होता है वो हॉल के अंदर आ जाते हैं जो पंडित है वो जो स्कॉलर्स है वो उस बॉय को देखते हैं कैसे जो क्रॉक बेबी है फनी वॉक कर रहा है और स्टार्टिंग टू तो लाफ और उसको देखकर हंसने लग जाते हैं अश्वदा अश्वत्थक स्टार्टि टू तो लाफ इवन लाउड अपॉन हियरिंग हिम लाफ लाइक दैट देयर वॉज साइलेंस एवरीबडी स्टार्टि टू वंडर वट वॉज देअर फॉर द बॉय टू लाफ एट तो सब देख रहे हैं कि किस तरह से उन पर हंस रहे हैं और वहां पर हंसते हंसते अपॉन हियरिंग हिम ही लाफ लाइक दैट देयर वॉज साइलेंस फिर वहाँ पर शांत हो जाता है और धीरे से सब क्या हो जाते हैं वंडर होना शुरू हो जाते हैं कि हैरान होना स्टार्ट कर देते हैं किंग जनक फाइनली आज टू द बॉय आई अंडरस्टैंड वाई दिस पीपल लाव्ड बट आई डोंट सी वाई यू लव्ड माई चाइल्ड आई वोंट टू नो वाई यू लव्ड तो जो किंग जनक होते हैं फाइनली पूछते हैं उस बॉय को देखकर कि मैं समझ सकता हूँ वाई दिज पीपल लाव ये लोग क्यों हंस रहे हैं लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा ये क्यों हंस रहे हैं तो माई चाइल्ड आई वॉन्ट टू नो तो मैं जानना चाहता हूँ वाई यू लव ये बताओ तुम क्यों हंस रहे हो अशोक अकरा रिप्लाइड आई वॉज अमेज टू फाइंड दैट यू हैव इन्वाइटेड सो मैनी अनएजुकेटेड पीपल हेयर योर मेजेस्टी यू कॉल दैम स्कॉलर्स बट दे सी ओनली माई बॉडी एंड नॉट द वन हु लिव्स इन दैट बॉडी इन एनी केस They can't really the scholars if they laugh at somebody's physical disability they are failing to the identify the real scholar तो यहाँ पे जो अस्त है वो क्या रिप्लाई करता है मैं इसलिए अमेज़ हूँ इसलिए हैरान हूँ इन सबको देखकर कि आपने कितने अनएडकेटड पीपल को यहाँ पे बुलाया हुआ है जो आप इनको स्कॉलर्स बोलते हैं स्कॉलर्स ऐसे नहीं होते जो किसी की भी फिजिकल डिसेबिलिटी को देख कर हंसे उनको मजाक बनाए तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि आप इनको क्या बोलते हो ये आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि रियल स्कॉलर्स हैं king janak came down from his throne apologised the Aswatvakra, and asked him to sit in the court hall the king janak asked him to satisfy him first in debate the posed him six क्रैपिटिक क्वेश्चंस एंड विच अष्टवक्रा आंसर्ड कन्विंसिंगली अब यहाँ पे जो किंग जनक हैं वो उसको आराम से नीचे उतरते हैं अपने सिंहसन से और आकर अपोलाइज करते हैं माफ़ी मांगते हैं अश्वक्रा से और पूछते हैं कि आप कोर्ट में बैठ जाइए और धीरे धीरे वो क्या करना स्टार्ट करते हैं डिबेट में पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट करते हैं और उनसे बहुत सारे इस तरह के सिक्स

करता है जनक को न्यूट्रल आर्बिटर अब यहां पे क्या बोला जाता है कि लेट बंदी टू द डिबेट कि जो ये चीजें हैं वो डिबेट से सॉर्ट आउट हो सकती हैं मैं इसका आंसर दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैं देने वाला हूं आई डिबेट और जो डिबेट है वो क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है ऑल्टरनेटिव वे के अंदर

फर्स्ट हाफ में ठीक है तो वन टू मतलब वन टू सिक्स में ही वर्स करता है उन नंबर्स को द द नंबर कंप्लीटेड वर्स एंड द दस डिफीटेड बंदी कैसे डिफीट कर देता है उन नंबर्स के थ्रू ही वॉज एकेम बाय द असेंबली एंड द किंग जनक एक्सेप्टेड हिंग और किंग जनक है जो उनको एक्सेप्ट करता है कि किस तरह से उनको आगे इन चीजों को बताना है बंदी एक्सेप्टेड द डिफीट एंड द सरेंडर द अश्वतक्रा ऑल द दोड डाउन टू हिम और किस तरह से जो नंबरिंग के थ्रू उनको डिफीट करता है कौन अश्वत्थ और उनको देखता है जितने भी सेजीज होते है, जितने भी भी होते होते हैं हैं वाइस पर्सन वो वो उनको देखकर देखकर और उनकी इतनी बुद्धिमानी को कर, वो क्या करते हैं अपना सर नीचे झुका लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि जो बॉय है वो रियल में क्या है बहुत नॉलेजेबल है बंदी वेंट टू द ओशन वेन्स द कोहला रिटर्न और बंदी कहाँ चला जाता है वहां पर जहां पर जहा से वो वापस आया था अश्वत फादर सेड आई विल बी एवर इन टू यू for re me when's their way back home kwala asked Ashtavakra to both in the river samanga which was the daughter of Holy ganga astavakra deformities were cured ऑन बाद इन द रि सुजाता वॉज एलिटेड ऑन सींग हर हसबैंड एंड हर नो लोंगर हैंडीकेप्ड सुन तो वो किस तरह से जो सुजाता है वो एलिगेट करती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारा बेशक हैंडीकेप्ड बच्चा है और वो कैस किस तरह से फिर भी उसको लेकर कितना खुश होती है और बताती है कि किस तरह से आने वाले टाइम में भी वो इनका इस तरह नाम रोशन करेगा और हम उन्हें उसकी क्या करनी पड़ेगी क्यों और करनी पड़ेगी और हम गंगा रिवर जो होली रिवर है उस पर उसको ले कबीर जाएंगे तो ये एक छोटी सी स्टोरी जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा कितना ब्रेवरी से और एक छोटी छोटी डेफिनेशन से आगे बढ़ता हुआ चला गया तो उसी बेस पर ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है सो बच्चों की वॉचिंग और रीड आउट अच्छे से करके अच्छे से समझना है थैंक यू फॉर वॉचिंग